हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पनीसिया ट्यूटर आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं वीडियो पार्ट टू में शिलाईज का पार्ट वन हमने डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में तो आज इसमें हम उसके रिकैप करेंगे और इसके फाइन पॉइंट्स बताएंगे ताकि आप इसके हिडन स्टेटमेंट समझ सको रूल्स के जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको इस इसमें एक्सप्लेन करेंगे फिर जो दूसरे लेवल का सिलॉइज्म है थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का जो कई सारे हायर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है थ्री स्टेटमेंट या फोर स्टेटमेंट सिलॉइज्म तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सको हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट वन में क्या समझा था कि सिलॉइज्म के थ्री पार्ट्स होते हैं इसमें हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व ये थ्री स्टेप्स हमने अच्छी तरह से डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ समझा था नेक्स्ट वीडियो में से पार्ट टू में मैं उसका एक रिकैप बता रहा हूं कि प्रीवियस वीडियो में सिलॉय में हमने देखा कि स्टेटमेंट्स आर ऑफ फोर टाइप्स और उसको हमने ए ई आई ओ सिंबल से इंडिकेट किया ए पॉजिटिव होते हैं ई निगेटिव होते हैं आई पॉजिटिव होते हैं और ओ निगेटिव होते हैं इसके एग्जाम्पल्स हमने स्लाइड्स में दिए हैं कि ऑल रोजेज आर रेड ए टाइप के हैं नो रोज इज रेड इज ए टाइप सम रोजेज आर रेड आई टाइप एंड सम रोजेज आर नॉट रेड इज ओ टाइप और फिर हमने टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स में थ्री टेबल्स डिस्कस किए थ्री रूल्स जिसको कहते हैं टेबल्स के फॉर्म में हमने डिस्कस किए फर्स्ट था इमीडिएट कंक्लूजन जिसमें दो रूल थे कि ए टाइप के स्टेटमेंट से आई टाइप के कंक्लूजन बनते हैं और ई e टाइप के स्टेटमेंट से ओ टाइप के कंक्लूजन बन सकते हैं इमीडिएट कंक्लूजन में सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट प्रेडिकेट रहता है बट कन्वर्जन में ये थ्री रूल्स हैं कि ए टाइप के स्टेटमेंट से आई कंक्लूजन बन सकते हैं ई e से ई e बन सकता है आई से आई बन सकता है बट ओ नॉट बी कन्वर्टेड सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रूल्स इफ यू वॉन्ट टू क्विकली सॉल्व क्वेश्चन ऑफ सिलाइज तो आपको ये रूल्स बड़े अच्छे से याद करने पड़ेंगे फिर टेबल थ्री में सिक्स कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किए थे कि मीडिएट कंक्लूजन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स मर्ज होकर एक कंक्लूजन बनाते हैं और कंक्लूजन्स किस टाइप का बनेगा ये डिपेंड करता है कि ये कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो वो हमने टेबल थ्री में डिस्कस किए जो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस भी किया और इसके एप्लीकेशंस को हमने देखा एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आपको ये टेबल याद रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं कि टेक्निक्स टू सॉल्व में सिलाइन के फोर स्टेप्स होते हैं फर्स्ट स्टेप है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स सेकेंड है इमीडिएट कंक्लूजन बाई टेबल थ्री थर्ड है इमीडिएट कंक्लूजन कन्वर्जन बाय टेबल वन एंड टू एंड फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इन कंक्लूजन ध्यान रखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहां देखते हैं स्टेटमेंट में नहीं देखते कंक्लूजनस में ही देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं ये चारों यूनिवर्सल पर्टिकुलर के हमने पिछले स्लाइड्स में भी पिछले वीडियो में भी इस तरह के स्लाइड्स दिए थे और उसको डिस्कस किया था तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमने इसको ग्राफिकली आपको याद रखने के लिए बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इसको यू हैव टू रिमेंबर देन इंपॉर्टेंट क्या है इस वीडियो में कि जो हमने फोर टाइप्स के स्टेटमेंट पढ़े पिछले वीडियो में ए आई ओ और ए आई ओ जो स्टेटमेंट होते हैं वो ऑल नो सम एंड सम नॉट से शुरू होते हैं बट देर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स विच डू नॉट स्टार्ट विद दीज फोर वर्ड्स दोज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड हिडन स्टेटमेंट्स तो आज इस वीडियो में वो हिडन स्टेटमेंट्स की टेक्निक हम आपको बताएंगे कैसे याद करेंगे कैसे डिटेक्ट करेंगे स्टेटमेंट में कि कौन से टाइप के स्टेटमेंट के फॉर्म बनेंगे हिडन स्टेटमेंट से तो इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे ए टाइप के जो हिडन स्टेटमेंट है उसको याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और वो पॉजिटिव है तो उसको ए टाइप की कैटेगरी में रखते हैं ए टाइप मीन्स ऑल से शुरू होते हैं पॉजिटिव होते हैं बट ऑल के अलावे अगर कोई सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है तो भी उसको ए टाइप के हिडन स्टेटमेंट कहते हैं सो दिस इज वेरी सिंपल नाउ ई टाइप हिडन स्टेटमेंट कि एनी स्टेटमेंट विच इज नेगेटिव and it starts with the word noun and or pronoun then it will be under e type statement kya samjhe ki e type ko bhi detect karna bahut aasan hai ki e type generally statement no se shuru hote hain lekin agar koi statement negative hai और वो noun या pronoun से शुरू हो रहा है तो उसको भी हम E category में शामिल करते हैं जैसे इसमें हमने दो sentences दिए हैं कि Rohan could not pass द एग्जाम तो इस सेंटेंस में रोहन नाउन है और नॉट है यानी कि सेंटेंस निगेटिव है तो इसको ई e टाइप में रखेंगे ही इज नॉट सिंसियर ही इज प्रोनाउन नॉट इज निगेटिव सो इट विल बी ई टाइप सो दिस इज वेरी सिंपल हमें सिर्फ नाउन प्रोनाउन और पॉजिटिव निगेटिव देखना है और ए ई टाइप में इससे ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इन दोनों को आइडेंटिफाई करने में बट आगे अगर चलते हैं आई टाइप के और टाइप के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कुछ वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ वर्ड्स निगेटिव होते हैं कौन कौन से वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव ऑलवेज जनरली यूजली फ्रीक्वेंटली मैनी मोस्ट ए फ्यू ऑलमोस्ट एटसेट्रा तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव वर्ड कहलाते हैं इन सबका जनरली मीनिंग होता है सम और जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे रेयरली हार्डली लिटिल स्कास्टली फ्यू तो इनका मीनिंग होता है नन आप यहां एक चीज ध्यान देंगे कि फ्यू इज निगेटिव वर्ड बट ए फ्यू इज पॉजिटिव अ फ्यू मीन्स सम बट फ्यू मीन्स नन बट इसको आई और ओ टाइप के स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में क्या रोल है यह हम आगे डिस्कस करेंगे आई टाइप के हिडन स्टेटमेंट में क्या है कि अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बिगिनिंग विथ पॉजिटिव वर्ड्स

इस ट्रिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो और उसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव वर्ड लगा हुआ हो तो डबल पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव सो इट विल बी द कंक्लूजन विल बी आल्सो पॉजिटिव मीन्स ये ए टाइप में आएंगे और इसको सम कैटेगरी में रखेंगे सम गर्ल्स आर सॉफ्ट स्पोकन आई टाइप के होंगे उसी तरह स्टूडेंट्स आर फ्रिक्वेंटली शॉर्ट टेम्पर्ड अ फ्यू डॉलर्स आर नॉट लेफ्ट इन माई पॉकेट मोस्ट ऑफ द पेपर इज हैंडमेड मेनी स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट इन सभी में एक पॉजिटिव वर्ड है एक्स्ट्रा पॉजिटिव वर्ड है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है तो डबल पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव एंड इट विल बी सम टाइप, मींस आई टाइप सो नेक्स्ट पॉइंट अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है और उसमें निगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो डबल निगेटिव हो गया तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव सो मीनिंग विल बी पॉजिटिव इट मीन आप देखो एग्जाम्पल में Few is negative word. Few men are not corruptible. Not is negative, few is negative, double negative, okay? So negative into negative, positive. So meaning will be positive and it will be I type. When some men are corruptible. Seldom are people not jealous. Seldom is negative, not is negative, negative into negative, positive. So meaning will be positive and it will be I type. Some people are not are jealous. Then नेक्स्ट सेंटेंस रेयरली ज रिच मैन नॉट worried रेयरली इज negative वर्ड नॉट इज negative अगेन negative into negative विल बी पॉजिटिव एंड the मीनिंग विल बी आई टाइप means सम रिच मैन आर worried तो आप देखो ये मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं बट हमें याद करने के लिए किसी सेंटेंस को हिडन स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं ये ट्रिक लगाता हूँ तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड यू कैन इजीली कैच द स्टेटमेंट कि वो किस कैटेगरी में आएगा नेक्स्ट पॉइंट ओ टाइप हमने आई टाइप डिस्कस कर लिए दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव हो गया नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों चीजें हमें याद रखना है बहुत सिंपल हम स्कूल में पढ़ते हैं ये सारी चीजें उस मैथमेटिक्स को यहां पर हमने आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया नाउ कम टू ओ टाइप के हिडन स्टेटमेंट कैसे होते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें हम थ्री पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ऑल निगेटिव स्टेटमेंट्स बिगिनिंग विथ वर्ड्स सच एज ऑल एवरी एनी एज विल बी ओ टाइप जनरली क्या होता है कि ऑल मैन आर नॉट रिच ऑल मैन आर रिच इज ए टाइप बट अगर ऑल के साथ नॉट लगा हुआ है तो वो ओ टाइप होगा सो इट इट मीन सम मैन आर नॉट रिच सेकेंड एवरी वन इज नॉट प्रजेंट मीन्स सम आर नॉट प्रजेंट एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इसका मीनिंग क्या होगा सम ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट आर नॉट गोल्ड सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इजी सेकेंड पॉइंट फिर इसमें ट्रिक्स लगाएंगे हम कि अगर कोई सेंटेंस इफ द सेंटेंस इज निगेटिव एंड देर इज एक्स्ट्रा पॉजिटिव वर्ड्स इन द स्टेटमेंट देन अगेन पॉजिटिव इंटू निगेटिव विल बी निगेटिव सो मीनिंग विल बी निगेटिव एंड इट विल बी ओ टाइप गर्ल्स आर यूजुअली नॉट इंपेसेंट अब देखो यूजुअली पॉजिटिव वर्ड है नॉट निगेटिव वर्ड है सो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव सो मीनिंग विल बी निगेटिव

इट विल बी ओ टाइप सो दिस इज वेरी इजिली यू कैन डिटेक्ट एंड यू कैन रिमेंबर दीज ट्रिक्स सो दिस इज अबाउट ओ टाइप एंड थर्ड पॉइंट एक और पॉइंट है इसमें कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है बट उसमें निगेटिव वर्ड लगा हुआ है सी देर इज निगेटिव वर्ड्स एक्स्ट्रा निगेटिव वर्ड्स बट सेंटेंस इज पॉजिटिव वाई बिकॉज देर इज नॉट और नो वर्ड सो फ्यू मैन आर करप्टेबल फ्यू इज निगेटिव But sentence is positive, so negative into positive again, negative. So it will be O type. It means some men are not corruptible. Seldom are people jealous, seldom is negative, sentence is positive, so negative into positive will be negative. So some people are not jealous. So similarly, rarely is a rich man worried. So rarely is negative. Sentence is positive, negative into positive is again negative, and it will be O-type. So some rich men are not worried. So this is. अबाउट ओ टाइप हाउ टू डिटेक्ट हिडन स्टेटमेंट्स आप अगर दूसरे मेथड हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व सिलॉज प्रॉब्लम्स वन इज वैन डायग्राम मेथड एंड दिस इज एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मैथड की ब्यूटी ये है कि जो हिडन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन वैन डायग्राम मेथड से सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है आप उसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में कन्फ्यूज हो जाएंगे और इसमें मिस्टेक्स के चांसेज बहुत होते हैं

अगर हमें मास दे सकता है और टाइम सेव कर सकते हैं तो दैट इज वर्थ लर्निंग सो दिस इज अबाउट ओ टाइप एंड द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक्स नाउ कम टू लास्ट एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन एक्सक्लूसिव मीन्स स्पेशल स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट स्पेशल होते हैं जो अब तक हमने देखा ए ई आई ओ में ए सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं ई सेंटेंस निगेटिव होते हैं आई सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं और वो सेंटेंस निगेटिव होते हैं बट अगर कोई सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड ऑनली हो तो उसको एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन कहते हैं और ऐसे स्टेटमेंट का मीनिंग ए में भी निकल सकता है ई e में भी निकल सकता है और आई में भी निकल सकता है जब हम मीडिएट कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट को प्रोसेस करते हैं तो इसके हाँ पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखेंगे तो मोस्टली जनरली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स को हम ए टाइप कंसीडर करते हैं जहां पर जरूरत होगी तो वहां पर आप इसको ई e में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आई में भी कन्वर्ट कर सकते हो उसका रूल मैंने दिया हुआ है कि ओनली एजुकेटेड आर आई एस ऑफिसर यह एक स्टेटमेंट है फर्स्ट वर्ड इसका ओनली है अगर बीच में ओनली लगा हुआ है तो वो एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं होगा एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट होने के लिए फर्स्ट वर्ड ऑनली होना चाहिए तो इट मींस इसमें एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है तो इसको जब हम ए टाइप में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो जाता क्या बनता है ओनली एस एच पी ये स्टेटमेंट में था जब इसको ए में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाएगा और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा और ये ए का फॉर्म में इसका सेंटेंस बनेगा ऑल पी आर एस तो क्या बनेगा ऑल आई एस ऑफिसर्स आर एजुकेटेड ठीक है उसी तरह ई e टाइप में अगर कन्वर्ट करना हो इसको तो नो नॉन एजुकेटेड इज आईएस या नो अनएजुकेटेड इज आई एस ये बनेगा और अगर आई में कन्वर्ट करना है तो सम एजुकेटेड आर आई एस और इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट का फॉर्मेट हमने इसमें लिखा हुआ है तो यू कैन रिमेंबर दिस बट मोस्टली यू हैव टू फर्स्ट है

और थ्री से ज्यादा भी हो सकते हैं तो उनमें सभी थ्री या थ्री से ऊपर वाले स्टेटमेंट में एक ही मेथड होते हैं उसको हम यहां समझेंगे कि थ्री स्टेटमेंट इलाइज्म को कैसे हम डिराइव कैसे हम सॉल्व करते हैं और कंक्लूजन को कैसे प्रूव करते हैं तो हमने स्टेप वन में लिखा है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो उसके लिए हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं रेलिवेंट स्टेटमेंट्स कोई भी जैसे पहले हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन को प्रूव करते थे थ्री और फोर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे पहले कंक्लूजन को देखेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे स्टेटमेंट के थ्रू तो ये चीजें आप क्वेश्चन से समझ सकते हो कि हम उसको फर्स्ट क्या करेंगे अलाइनमेंट करेंगे आप क्वेश्चन पर आए सपोज इज इजे क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में थ्री स्टेटमेंट्स हैं और थ्री कंक्लूजन तो इसमें क्या करेंगे हम पहले कंक्लूजन फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो कंक्लूजन में हमने फर्स्ट कंक्लूजन में देखा बैट्स एंड बकेट्स है तो इसके लिए दो रेलिवेंट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे रेलिवेंट स्टेटमेंट किसको कहते हैं जिसमें कंक्लूजन जो हमने सेलेक्ट किया है जैसे ऑल बैट्स आर बकेट्स इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो अलग अलग स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो दिस इज फर्स्ट कंडीशन और उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्ड भी हो तो हमने देखा फर्स्ट कंक्लूजन में बैट्स एंड बकेट्स है तो ऊपर के स्टेटमेंट में बैट्स एंड बकेट्स किसी में प्रेजेंट है तो हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट में बैट्स है और थर्ड स्टेटमेंट में बकेट है ठीक है तो और इन दोनों के बीच में जो दूसरा कंडीशन हमने बताया कि उसके बीच में एक वर्ड कॉमन भी होना चाहिए तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में गियर्स एंड गियर्स कॉमन है और फर्स्ट कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेजेंट है इट मीन्स कि फर्स्ट कंक्लूजन के लिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट स्टेटमेंट हो गया तो आपने समझ लिया कि रेलिवेंट स्टेटमेंट कैसे जज करते हैं कि हम पहले कंक्लूजन को देखते हैं उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट को देखते हैं और उस सब्जेक्ट प्रेडिकेट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें वो दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के प्रजेंट हो और उनके बीच में उन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक कॉमन वर्ड हो तो हमने फर्स्ट कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट वन और थर्ड को डिसाइड किया कि ये रेलिवेंट स्टेटमेंट है अब जब रेलिवेंट स्टेटमेंट मिल गया तो हम मीडिएट कंक्लूजन निकालेंगे तो कॉमन वर्ड गियर्स गियस कट जाएंगे और मीडिएट कंक्लूजन ए प्लस ए क्या बनेगा ए सो ऑल बैट्स आर बकेट्स तो ऑल बैट्स आर बकेट्स कंक्लूजन से टैली कर गया फर्स्ट से इट मीन कि ये प्रूव हो गया और अब यही काम हम बाकी दूसरे तीसरे कंक्लूजन के साथ भी करेंगे कि स्वर्ट्स आर बकेट्स ऑल सॉर्ट्स आर बकेट्स अब स्वर्ट्स आर बकेट्स किसी स्टेटमेंट में ये दोनों वर्ड अलग अलग स्टेटमेंट में है आप देखो इसके लिए रेलिवेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन टू के लिए कौन से होंगे जिसमें इसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो अलग अलग सेंटेंस में प्रेजेंट हो और उनके बीच में एक कॉमन वर्ड भी हो तो हमने देखा स्टेटमेंट टू और थ्री में और शॉर्ट्स है और गियर्स गियर्स ये भी कॉमन है तो हमने इसका मीडिएट कंक्लूजन क्या निकाला ए प्लस ए ए सो ऑल शॉर्ट्स आर बकेट्स ऑल शॉर्ट्स आर बकेट्स ये सेकेंड भी प्रूव हो गया नाउ कम टू थर्ड सम बकेट्स आर गियर्स अब सम बकेट्स और गियर्स बकेट्स और गियर्स किसी में है हमने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट में बकेट्स एंड गियर्स है अगर इसमें प्रजेंट है तो ऑल से ए टू आई डायरेक्ट बन जाता जब हमें टेबल्स याद होंगे हमें कंक्लूजन्स को प्रूव करने के लिए जो तीन टेबल्स हमने याद किए उन तीनों मेथड्स को हम कहीं भी, भी कहीं भी लग, अप्लाई कर सकते हैं और उससे कंक्लूजन को प्रूव कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट आप देखो इससे कन्वर्जन से बन गए तो ऑल गियर्स आर बकेट इज सम बकेट्स आर गियर्स सो कंक्लूजन थ्री इज ऑल्सो प्रूव सो दिस द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई एक्सप्लेन इन दिस तो इसमें तीनों के तीनों प्रूव हो गए इट मीन्स आंसर ऑल हो गया तो ये सिंपल था अब इससे थोड़े से लेवल हायर क्वेश्चन पर जाते हैं जिसमें चेन फार्मूला लगाएंगे इसमें हमने चेन का फार्मूला अभी नहीं लगाया नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं थ्री स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी

स्टेटमेंट से मैच करते हैं कि कोई दो स्टेटमेंट चूज करते हैं जिसमें कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेजेंट हो और उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्ड भी हो तो बॉल्स एंड क्वाइंस किसमें है आप देखें तीनों स्टेटमेंट में देखेंगे कि बॉल्स थर्ड स्टेटमेंट में है और क्वाइंस किसमें है सेकेंड स्टेटमेंट में है तो ये दोनों रेलिवेंट स्टेटमेंट होंगे नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन वर्ड नहीं है ठीक है तो ये कोई रेलिवेंट स्टेटमेंट इसमें से मिला नहीं तो इसका मीडिएट नहीं बन सकता अब हम सेकेंड कंक्लूजन को प्रूव करेंगे सेकेंड कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए इसके लिए दो रेलिवेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे सो so, इसमें सेकेंड कंक्लूजन का सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है बॉल्स एंड टिप्स स्टेटमेंट में बॉल्स एंड टिप्स कहां है देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में टिप्स है और थर्ड स्टेटमेंट में बॉल्स हैं और इनके बीच में एक वर्ड निप्स निप्स कॉमन भी है तो ये दोनों स्टेटमेंट कंक्लूजन टू के लिए रेलिवेंट स्टेटमेंट हो गए अब जब रेलिवेंट स्टेटमेंट निकल गया तो उनके मीडिएट कंक्लूजन्स निकालेंगे तो मीडिएट कंक्लूजन्स को निकालने के लिए अलाइनमेंट करेंगे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट्स का तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को अलाइनमेंट करने के लिए थर्ड को फर्स्ट बना देंगे तो ये निप्स और निप्स अलाइनमेंट हो जाएगी तो थर्ड स्टेटमेंट आई टाइप के है फर्स्ट स्टेटमेंट ए टाइप के हैं तो आई प्लस ए क्या बनेगा आई तो आई कंक्लूजन क्या बनेगा सम सम बॉल्स बॉल्स आर आर टिप्स टिप्स कंक्लूजन सेकेंड से मैच कर गया यानी प्रूव हो गया इसी तरह थर्ड कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए हम रेलिवेंट स्टेटमेंट देखेंगे कि कॉइन्स एंड बॉल्स किसी में है कॉइंस और बॉल्स सेकेंड और थर्ड में है बट इनके बीच में कोई कॉमन टर्म नहीं है इसलिए रेलिवेंट स्टेटमेंट नहीं बने फिर फोर्थ को देखा फोर्थ तो हमारा बट हमें यहां पर थ्री स्टेटमेंट में एक और स्टेप सीखने हैं कि चेन रूल चेन रूल क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि तीनों स्टेटमेंट्स क्या आपस में इस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं कि फर्स्ट का कॉमन टर्म और सेकेंड स्टेटमेंट के कॉमन टर्म से अलाइनमेंट हो और सेकेंड और थर्ड में कॉमन टर्म्स उसी तरह से राइट right लेफ्ट के अलाइनमेंट हो जैसे हमने हमने रीअरेंज किया राइट right साइड में कि आप देखो रीअलाइनमेंट इसको करने के बाद सम बॉल्स आर फर्स्ट बन गया सेकेंड स्टेटमेंट हो गया ऑल निप्स आर टिप्स एंड थर्ड स्टेटमेंट हो गया नो टिप इज ए कॉइन अब इनमें कॉमन टर्म्स देखते हैं निप्स निप्स कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड के बीच में और और थर्ड के बीच में टिप्स टिप्स कॉमन है तो इट कि ये एक चेन बनाता है तो चेन बनाने के बाद अगर इसका कंबाइन कोई कंक्लूजन निकल सकता है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट किस टाइप के हैं फर्स्ट आई टाइप के हैं सेकेंड ए टाइप के हैं और थर्ड ई टाइप के हैं तो आई प्लस ए प्लस ई क्या बनेगा तो एक साथ हम पहले क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे कि फर्स्ट दो स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या बनता है आई प्लस ए आई तो आई बनेगा फिर जो इनके प्रोडक्ट बने जो इनके कंक्लूजन बने उनको थर्ड स्टेटमेंट के के टाइप से फिर मीडियट कंक्लूजन निकालेंगे इट मीन आई प्लस ई क्या बना ओ तो हम इस तरह से इनके कंक्लूजन निकालेंगे कि सम बॉल्स आर टिप्स एंड ऑल निप्स आर टिप्स हमने कट हो गए और आई प्लस ए कंक्लूजन बना सम बॉल्स आर टिप्स और सम बॉल्स आर टिप्स और नोटिप कॉइन दोनों को मिलाकर क्या बनता है ओ टाइप तो कंक्लूजन क्या बनेगा ओ टाइप के और जो इसमें सम बॉल्स आर नॉट ये कंक्लूजन प्रूव हो गया चेन फॉर्मूला से तो इससे हमारा क्या प्रूव हो गया फोर्थ ठीक है सो दिस इज चेन रूल हम थ्री स्टेटमेंट में या फोर स्टेटमेंट में हम जब सारे रेलिवेंट स्टेटमेंट करने के बाद सारे प्रूव करने के बाद तीनों टेबल से फिर लास्ट में अगर हम ये करके देखते हैं और ये तीनों अगर चेन बनता है और उसका कंक्लूजन बनता है तो फिर हम कंक्लूजन बना के देखेंगे बट अगर ये नहीं बनता तो चेन बनने के बाद भी कॉमन अलाइनमेंट तीनों के बीच में चेन बनने के बाद भी हो सकता है कि कोई कंक्लूजन नहीं बने उसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे सी नेक्स्ट एग्जाम्पल में थ्री स्टेटमेंट्स हैं ऑल बुक्स आर नोट्स सम नोट्स आर वॉचेज एंड नो वॉच इज पेंसिल हमने देखा सारे फार्मूले उसी तरह से लगाएंगे कि वॉचेज एंड बुक्स क्या इसके रेलिवेंट स्टेटमेंट देखेंगे वॉचेज एंड बुक्स आप देखो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये रेलिवेंट स्टेटमेंट है क्योंकि बुक्स एंड वॉचेज इसमें दोनों में है और नोट्स नोट्स कॉमन भी है बट इसका मीडिएट कंक्लूजन बनेगा ए प्लस आई का मीडिएट कंक्लूजन नहीं बनता इसलिए मीडिएट कंक्लूजन नहीं बनेगा और ये प्रूव नहीं होगा फिर हमने देखा सेकेंड कंक्लूजन नोट्स एंड पेंसिल नोट्स एंड पेंसिल किस में है सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में है और इनके बीच में वॉचेज वॉचेज कॉमन भी है और इसके टाइप कौन से हैं ई e, जो थर्ड स्टेटमेंट ई टाइप के हैं और सेकेंड स्टेटमेंट आई टाइप के हैं तो आई प्लस ई क्या बनता है आई प्लस ई वो बनता है तो इसके कंक्लूजन बनेंगे सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स तो सम नोट्स आर नॉट पेंसिल्स आप देखो किस में है फोर्थ कंक्लूजन प्रूव हो गया ओके okay? तो हमने फिर इसी तरह से बाकी कंक्लूजन को प्रूव करेंगे थर्ड कंक्लूजन देखेंगे वॉच एंड बुक वॉच एंड बुक किसी में है आप देखो वॉच एंड बुक है बट रेलिवेंट स्टेटमेंट बने नहीं बने तो ये भी प्रूव नहीं हुआ अब हमारे सारे मेथड हमने लगाए इससे एक ही कंक्लूजन प्रूव हुआ फोर्थ फिर देखेंगे चेन रूल हमने तीनों स्टेटमेंट को अलाइन करने हैं नोट्स नोट्स अलाइंड है वॉचेज वॉचेज अलाइंड है इट मींस चेन बनता है अब चेन का कंक्लूजन बनेगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि ए प्लस आई प्लस ई अब ए प्लस आई ए प्लस आई कुछ बनता है नहीं बनता ए प्लस आई का मीडिएट कंक्लूजन नहीं बनता तो इस पूरे चेन का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा इसलिए यह चेन से कोई भी प्रूव नहीं होगा तो अब तक क्या हमारा कंक्लूजन निकला था सिर्फ कंक्लूजन फोर्थ प्रूव हुआ था बट लास्ट में हम एक पॉइंट यहां देखेंगे कि क्या कंक्लूजन में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए क्या सीखा था कि उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में होंगे और एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा तो हम देखते हैं कि कोई इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो आप देखो फर्स्ट में सम आर बुक्स और थर्ड इंक्लूजन में नो वॉच इज बुक वॉच वॉच कॉमन है बुक बुक कॉमन है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो दिस मेक्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और हमने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जब कोई कंक्लूजन में हो तो वो अगर प्रूव नहीं हुआ है तो भी दोनों रॉन्ग नहीं हो सकते अगर उसमें से एक प्रूव हो गया होता तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता बट इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में हमारे सारे मेथड से कोई भी प्रूव नहीं हुआ तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्रूव नहीं होता उनमें से कोई भी एक तो दोनों रॉन्ग नहीं हो सकते और दोनों राइट भी नहीं हो सकते तो इसका क्या आंसर बनेगा इधर वन और थर्ड विल बी राइट विल बी ट्रू और विल बी फॉलोइंग सो आंसर विल बी धर वन और थ्री एंड जो प्रूव हो चुका था फोर्थ सो दिस विल बी आंसर च्वाइस फिफ्थ सो दिस इज द क्वेश्चन अगर आप इस पर कमांड करना चाहते हो तो मैं आपको एक्सरसाइज इसके लिए है पूरी ट्वेंटी थर्टी एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे जिसको आप प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो सकते हो क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप टॉपिक पर कमांड नहीं कर सकते तो राइट स्ट्रैटजी राइट स्ट्रैटी को फॉलो करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझना है कंसेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज करने हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उसके डाउट्स लेने हैं टीचर से फिर आप उस टॉपिक पर परफेक्ट हो गए फिर आप जब टेस्ट दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस वीडियो का लास्ट स्लाइड हमने दिया है कि हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमने दोनों वीडियो में पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं कि दोनों कंक्लूजन्स में दो कंक्लूजन्स में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन हो और एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं ठीक है तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ये फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ए ई आई ओ ए ओ एन आई ई इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है बट इस रूल्स का एक्सेप्शन है कि ए टाइप -E के जो कंक्लूजन्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते जैसे ऑल रोजेज आर रेड ए है और नो रोज इज रेड नियमता रोजेज रोजे सेम है रेड रेड सेम है एक पॉजिटिव है निगेटिव है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए बट ये नहीं होते ये रूल्स का एक्सेप्शन है बट अगर ये ए e, अगर हिडन स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे जैसे यू आर गुड कौन सा टाइप है प्र, प्रोनाउन से शुरू हो रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट है ए टाइप हो गए प्रोनाउन से शुरू हो रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट है ई e टाइप हो गए ए हिडन स्टेटमेंट दोनों है और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है अगर ये हिडन नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता बट ये हिडन स्टेटमेंट के फॉर्म में ए ई e का कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे और ये क्वेश्चन में ये ट्रू होंगे तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है याद करना अगर आप रियली हंड्रेड परसेंट कमांड करना चाहते हो इस टॉपिक पर सो दिस इज ऑल अबाउट सिलोइम यू कैन कमेंट ऑन योर दिस वीडियो कि आपको कहीं भी डाउट लगे हमारे दोनों वीडियो आप देखो और दोनों को एक साथ पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करो मैंने बार बार अच्छे तरह से रिपीट किया है बाई है एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू मेल कमेंट्स और मोबाइल व्हाट्सएप वॉट एवर वे टू यू वॉन्ट आवर सपोर्ट यू कैन कम्युनिकेट टू मी एंड देन कमांड दिस टॉपिक दिस द बहुत कम वीडियो होंगे सिलाई uh, के मिलेंगे आपको एनालिटिकल मेथड यूट्यूब में या बहुत कम लोग पढ़ाते हैं हमने इसको लास्ट फिफ्टीन ईयर्स में हाँ बहुत टीचर्स बनाए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमांड करवाए इस टॉपिक पर तो आप भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो सो थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो